नच रहा हूँ, कटर 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 आवाज आ रही है, पता नहीं तुम बोल देगा तो आग लगा देगा भाई। पकड़ के बैठी है ना, ये ठीक है, आराम से बस पकड़ के बैठी हो, लेट्स गो। भैंस की आग कह रहा था मैं पकड़ के बैठी हूँ भाई। चमक चलो चैन छबीली गिर गई रे। अब इसमें दो एग्जॉस्ट आते हैं और इसने हमें ये वाला बोला कि भाई ये वाला लगाऊंगा ये वाला। पहले तो मैं आपको बताऊं तो गाइस याद रखो ये मिरर जो होते हैं हमने इसके वो हटवा दिए हैं। अब मिरर के साथ साथ आगे हमने कार्बन वाले मडगार्ड लगवा दिए। हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरी ब्रांड न्यू वीडियो में। तो कैसे आप लोग, खूब करते हो, सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। तो मैं आपका प्यार जी में आ चुका आप सबके लिए एक ब्रांड न्यू वीडियो लेके। फिलहाल आप देख सकते हो कि सिम्योन अंकल की दुकान की साइड में खड़ा हूं जहां पे सर्विसिंग वाला एरिया होता है। तो फिलहाल आप सोच रहे होंगे यार तूने अभी तो सर्विस करवाई थी यार अपनी फॉर्च्यूनर की, फिर तू यहां क्यों लेके आया। सीन कुछ ऐसा हो चुका है गाइस, गाड़ी जब भी मैं चला रहा हूँ कटर 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 आवाज आ रही है, पता नहीं क्या सीन हुआ है क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पे बारिश काफी तगड़ी हो रही है। और बारिश के टाइम पे मैं था सैंडी शोर्स के इलाके में और वहाँ मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है गाड़ी के साथ। पर सिम्योन अंकल ने कहा भाई टाइम लगेगा भी, तेरे पास टाइम है तो गाड़ी छोड़ दो, इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं अपनी फॉर्च्यूनर लेजेंडर यहाँ पे छोड़ के चले जाऊँ। तो सीन कुछ और कर नहीं सकते गाइस, क्या ही करे, जब किस्मत ही होवे फुद्दू फिर की करेगा बोन विटे दा दूध। देख सकते हो बाकी तो सही है, बाकी देखो बारिश के चक्कर में देख सकते हो बॉडी कितनी गंदी हो चुकी है, पर शुक्र करो दोबारा बारिश हुई जिसने थोड़ी बहुत मेरी गाड़ी साफ भी कर दी, नहीं तो ऐसे कीचड़ लगा होता इस गाड़ी में क्या ही बोले। पर चलो कोई नहीं, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं आपको ये बताना चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, क्योंकि आज की वीडियो में हम करवाने वाले हैं जो अपना गोगी है गाइस उसकी बाइक मॉडिफिकेशन। उसमें काफी डील होगा, जैसे कि आपको पता बीच में हम लेके आ गए थे सोरी अंकल जी की स्कॉर्पियो है जिसमें इधर उधर भाग दौड़ होती रही, और बीच में अब सोरी अंकल जी कह रहे कि वो चाहते हैं फॉर्च्यूनर वर्सेस स्कॉर्पियो एन की एक रेस हो जाए। उस चीज में आप क्या चाहते हो गाइस, वो रेस होनी चाहिए हाथी अंकल की गाइस फॉर्च्यूनर, हमारी सोरी अंकल जी की स्कॉर्पियो एन में रेस का मुकाबला होना चाहिए नहीं, एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। अब इसका देखते हैं भाई क्या कटर कटर कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रही, टायर तो नहीं लग रहे, टायर भी तो हमारी गाड़ी के काफी ज्यादा बड़े करवा दिए गाइस, हमने टायर की प्रोफाइल काफी ज्यादा बड़ी करवा दी जैसे कि आप सबको भी पता ही है। अब एक बार मैं दिखाता हूँ आपको, फिर भी ये देखो मेरे ख्याल से टायर तो नहीं लगने चाहिए यार, अभी ये मत बोल दे वो टायर की प्रोफाइल छोटी करवाओ, क्योंकि यार वैसे होना तो नहीं चाहिए था क्योंकि पहले तो ऐसी आवाज नहीं आ रही थी। अब सीन कुछ ऐसा है कि जो गोगी की बाइक है केटीएम सुपर ड्यूक वाली है जो हमने उसे नई दिलाई है गाइस, उसको जिग्गू लेके पहुंच गया है सीधा कॉलेज में, और गोगी जो है वो हमें वहीं मिलेगा जहाँ पे बाइक की मॉडिफिकेशन होने वाली, क्योंकि वो सोरी अंकल जी के साथ गया हुआ है और मेरे पीछे कब से पड़ा हुआ है कि भाई करवा दे यार करवा दे, तो मैं आज का चल करवाई देता हूँ। तो जिग्गू को मैंने इसलिए गोकुल धाम भेज दिया क्योंकि मैं चले गया तो भीड़ अंकल मुझे काम पे काम देते रहेंगे, इसलिए मैं गोकुल धाम गया ही नहीं। हालांकि भीड़ अंकल के भी काम कुम करवाने, और साथ ही साथ मेरी गोगी से बात हुई तो पता चला नए सदस्य काफी जल्दी आने वाले हैं गाइस। अब यार एक तो ये सारे एक साथ आ जाते तो भी सही था, इतने रुक रुक के आ रहे ना, आपसे भी नहीं रहा जा रहा मेरे से भी नहीं रहा जा रहा, अब इस चीज के बारे में क्या ही कहे, जब किस्मत ही होगा बुद्ध में की करेगा बोल बेटेगा दुदू आ रोक ले नैनो, पता नहीं क्या छाती में चढ़ा दो, रुक जा तू मेरी ऐसे ही चढ़ा दो ना, ऐसे ही हो जाएगी बचेगी भी नहीं, ये आपकी जैसी गाड़ी के नीचे आ जाएगी नैनो, ओ ट्रामले साइड में हो ले ये नहीं रुकेगी। तो देख सकते हो गाइस ऐसी भीड़ लगी रहती है लॉस सैंटोस के इस साइड पर, अब जाके यहाँ का मौसम काफी साफ हो गया, नहीं तो यार यहाँ तो ऐसे ही होगी थी इतनी बारिश दुखी हो गया था मैं भी। पर चलो कोई नहीं, आज कराते हैं अपने गोगी भाई की बाइक की मॉडिफिकेशन, बोल देगा तो आग लगा देगा भाई, इसकी ऐसी तैसी क्या बचे है बे, ये बहुत बोल रहा है भाई इस गाड़ी वाले को, तो मैं देखो एक मिनट भाई इसे अभी बंदा भी उड़ाया होता मुझे भी उड़ाया होता, एक मिनट देखो तो सही से कौन सा है ये, अभी मेरी गाड़ी में कुछ हो जाता ना बना देता इसे, रोक ले रोक ले रोक ले रोक ले रोक ले भाई साइड में रोक ले एक सेकंड भाई, अभी इसकी हवाबाजी तो निकाल दे जाए, आ भाई कहाँ का बदमाश है तू, निकल बाहर तेरी ऐसे ऐसी बाहर निकल जा जल्दी, अरे अच्छा ओ तेरी भाई 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 गेट तो टूट गया उसकी का, मेरी का कुछ मेरी का तो कुछ नहीं हुआ वैसे क्योंकि मेरी टोयोटो है ना भाई सी, ये पर नहीं छोड़ने वाला बेटा, देख रहे हो गलती थी कैसे भागा बंदा एकदम से, अपने आप से इसका तो फुफा भी रुकेगा, रोक ले दोबारा कह रहा हूँ रोक ले, अरे भैंस की आँख यही गाड़ी थी क्या, यही गाड़ी थी, इसका गेट भी टूटा हुआ है पर अंदर तो बंदा रख बैठा हुआ था, अरे भाई पता नहीं क्या सीन है, मैं तो कंफ्यूज हो गया पूरा का पूरा, ये हुआ क्या एकदम से, वक्त बदल गया जज्बात बदल गया, पता नहीं गाइस अब आप बताओ, गाड़ी तो यही थी क्योंकि उसका गेट पीछे टूटा हुआ है, शुक्र करो भाई मेरी गाड़ी में कुछ स्क्रैच वगैरह हुए नहीं है। पर चलो कोई नहीं कॉलेज की तरफ चलते हैं क्योंकि बाइक तो मुझे कॉलेज से ही उठानी है क्योंकि जिग्गू लेके आ चुका था मैंने जैसे कि आपको बताया, तो लेट्स गो।
ठीक है एक काम करियो, इस गाड़ी को फिर जाके तंत्र को बताया सिमरन अंकल जी के पास ले जियो और आवाज भी तेरे को दिखा देगी क्या आवाज है क्या नहीं, और गाड़ी आराम से लेके जाइयो बेटा। कभी कभी इसमें ब्रेक का भी इशू हो रहा है, पता नहीं गाइस क्या सीन हो लग गया इस गाड़ी में, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैंने जिग्गू को बोल दिया ये लेके जाएगा सारा काम करवा देगा, और मैं और ओली जा रहे हैं अभी सैंडी शोर्स वाले इलाके में, क्योंकि सैंडी शोर्स में इसको भी उतरना और सैंडी शोर्स की साइड ही मैं जा रहा हूँ। तो जाएंगे अपनी इस ब्रांड न्यू बाइक में जो कि आप देख सकते हो भाई, KTM सुपर ड्यूक आर। तो ये रही अपनी प्यारी सी बाइक, मेरी तो नहीं है मतलब गोगी की बाइक है जो कि हमने उसे दिया है। तू बैठ जा पहले, अच्छा था तू इन्हें हीरोइन है तो देख सकते हो। ओ हो काफी दिनों बाद बाइक में घुमा रहा हूँ किसी को। ओ हो ये और एक बात मैं आपको बता दूँ तो सैम यहाँ पे नहीं है, सैम फिलहाल कहीं गई हुई है, नहीं तो ये दोनों चले जाती। मैं कहा चल कोई नहीं मैं जा रहा हूँ वहीं से चले जाऊँगा। बाकी यार लक की तो काफी सही है, इसका जो ऑरेंज वाला आता है ना ऑरेंज में लुक कैसी आती है आज मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूँ इस बाइक की। चल भाई छोटे गाड़ी ठीक करा दियो मेरी और घर पहुँचा दियो, ज्यादा भगाई ना इधर उधर किलोमीटर चेक कर लिया मुझे। मेरे को ये भी पता है सिमियन अंकल की दुकान तक कितना किलोमीटर दूर पड़ता है, नहीं तो पड़ा पड़ा मारू अभी तेरे, कुछ काम भी कर लिया कर। तो लेट्स गो निकल गया भाई। ओ ये आजा शाम होने आई, पकड़ के बैठी हो फिर बोल ले वो गिर गई गिर गई गिर गई, क्योंकि ओली पिछली बार भी गिर गई थी गाइस, पकड़ के बैठी हुई थी पता नहीं क्या नाक खुद जा रही थी क्या कर रही थी। ये अब पकड़ के बैठी है ना, ओ ये ठीक है आराम से बस पकड़ के बैठी हो, लेट्स गो। ऐसी यार कह रहा था मैं पकड़ के बैठी हो गिर गई ना, यही तो दिक्कत है इन्हें लाने में, फिर ऐ करती रहती है भाई तुझे चलाने नहीं आती ये वो। भाई मेरे को आती, मेरे को कम से कम बचपन से बाइक चला रहा हूँ आजा शाम होने आई। नहीं अरे सीन हो गया, कौन सा था ये? अरे यार मतलब सुबह से ऐसे सी क्यों हो रही है इसको, भाई बाइक को तो कुछ हुआ नहीं। बैठ 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 अब आराम से चलाऊंगा पक्का पक्का पक्का। ये तो गिर गई रे इसका, तो सिर लगा इसका तो बड़ा गंदा भाई, ये जब ही नहीं आती गाइस बाइक में मेरे साथ जब ये कहती है अरे कार में चलना है, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है अपन मस्त जा रहे हैं यहाँ से सैंडी शोर्स। अब थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही क्योंकि हम भी तो थोड़े चिर करते हुए जाएंगे। अब सीन है देखो इस वाली बाइक का, ये देखो इसमें तो सीन ये होता है इसमें अलग अलग मोड्स होते हैं। पेट्रोल की टंकी पूरी फुल करवा रखी है गोगी ने, अब इसमें इंजन का टेम्परेचर तक बता देता है कि भाई इंजन ज़्यादा हीट तो नहीं हो रहा, क्या दिक्कत है क्या नहीं, तो ये सारी चीज़ें बता देता है। ट्रिप कौन सी लगा रहे हो आप अपनी ट्रिप की सेट करके, जैसे कि किलोमीटर कौन सा है इस ट्रिप में आप कितने चले, तो सही चीज़ है यार सारा सिस्टम दे रखा है इस कंपनी ने, तो काफ़ी सही बाइक बना रखी है ये। तो भगने में भी एक नंबर है, ऐसा नहीं कि भाई कोई दिक्कत, अभी देखो लेटाता जाऊँगा कोई दिक्कत नहीं होगी, देखो लेटा दूँ अभी ये देखो पूरी लटा दी ना मैंने, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, स्टेबल है बाइक, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो लेट्स गो चलते हैं यहाँ से सैंडी शो से। ड्राइवर अंकल को भी मैंने बुला लिया, अब सोरी अंकल ना क्या करेंगे गोगी को छोड़ देंगे वहाँ पे जहाँ पे कार का काम मतलब बाइक का काम होना है, और वहीं पे फिर ड्राइवर अंकल भी आ जाएंगे तो सारा काम फटाफट हम करवा देंगे एक ही बारी में, तो एक नंबर का मजा आने वाला है। तो लेट्स गो बिना किसी देरी के चलते चक दे चक दे इंडिया। पकड़ के बैठी हूँ गिर मत जाइयो, इसको लग रहा है डर मेरे पीछे बैठे बैठे। ओ नो अरे गिर गई, मैं कह रहा था पकड़ के बैठी बन रही हीरोइन, जल्दी बैठ अब इसको आगे तक छोड़ना है, 2 मिनट का रास्ता रह गया इसका, फिर मैं अपना अलग चले जाऊंगा। तो भाई चमक चलो चैन छबीली, गिर गई रे ड्राइवर अंकल जी किसी और की है यार, आप मानते नहीं ना ये चीजें, मेरे को काफी गलत लगती है। मैं बस सुन गलत ले आता हूँ, आपको अकेले करवा देनी चाहिए मुझे, मैं बस इसलिए लेके आता हूँ पैसे कम पड़ जाएंगे। तो यार ये मानते नहीं ना ड्राइवर अंकल जी, देख सकते हो गाइस गोगी की बाइक ना पूरी पेंट थी ड्राइवर अंकल जी ने, और आगे मुच्छड़ सी बना के पता नहीं क्या लुक रहा है। ओ भाई अभी अभी गिरा देता अंकल जी छाती के बल गिरता, मेरी छाती रगड़ जाती यार, ऐसा मत करा करो। अरे ब्रेक लगाना आगे गाड़ी है, ओ भाई क्या बाइक चलाता है आदमी, पगला गया ये ड्राइवर अंकल तो भाई सही में। तो पहुंच चुके गाइस हम ऑटो रिपेयर्स के पास, इससे सारा सामान तो हमने मंगवा ही लिया, पर एक बार गोगी का हम वेट करेंगे फिर अंदर जाएंगे। बस गोगी आ जाए वो अंदर मैकेनिक को भी समझा देगा कि भाई ये चीजें इसमें चेंजेस करवानी है, फिर हम इसमें फटाफट वो चीजें लगवा देंगे। हले आओ अंकल जी, हो गई हमारी सारी बातचीत, तो गाइस यहाँ पे अंदर मैकेनिक से सारी बात हो गई है। अब सीन कुछ ऐसा, देखो अपनी बाइक तो नहीं है इसमें कोई रिपेयर वगैरह का कोई खर्चा खुर्चा तो है नहीं। अब इसने गोगी ने हमें ये बताया, वो एक तो इसके देखो आगे की शीशे हटवाना चाहता मैं, फुल्ली मॉडिफिकेशन करवाएगा, अभी तक ना किसी की नहीं हुई इतनी तगड़ी वाली वैसे। अब पीछे की नंबर प्लेट हटवाएगा, गोल्ड चेन लगाएगा, एग्जॉस्ट लगवाएगा, मैं कहा खर्चा करवाएगा, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक ही बार जो है पिताजी ने कहा भाई मेरे को तो, मैं तो करवा दूंगा सारे शीशे। अब देखो $5,000 में तो बस ये अपग्रेड हो रहा है इसका आर्मर, देख लो गाइस अब क्या कर सकते हैं। अब इसका ब्रेक सिस्टम भी हम पूरा अपग्रेड करवा रहे हैं,
अब रही बात, मैं आपको कह रहा था ना आगे की, कार्बन फिनिश में चाहता जो कि काफ़ी महंगा आता है, आपको पता ही होगा कार्बन फिनिश। तो देखो अभी ऐसा है और ये कार्बन वाला लग चुका है, तो ये हमने लगवा दिया। और पीछे के बम्पर में से गाइस ये प्लेट हट जाएगी, पूरी चीज देखो इंडिकेटर वगैरह पूरा हट गया है। तो ये भी हमने मॉडिफिकेशन करवा दी है इसमें, इंजन इसका पूरा अपग्रेड करा दिया, जो कि $3,350 में हुआ है। और इतना ही नहीं, अब बात आ जाती है एग्जॉस्ट की। एग्जॉस्ट भी हमें सस्ता पड़ रहा आर्मर जितने का लगा है। अब इसमें दो एग्जॉस्ट आते हैं और इसने हमें ये वाला बोला कि भाई ये वाला लगाऊंगा, ये वाला तगड़ा होता है। मैं कहा भाई ये क्या सीन है, मतलब ये देखो एक तो नॉर्मल स्टॉक ये है, अरे नॉर्मल पता नहीं क्यों चेंज कर रहा था, सही तो आती है आवाज़ पर, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो एक ये है और एक ये है, इसमें ये वाला का है क्या करें, सबसे महंगा सोचा तो लेना ही नहीं। अब इसके जो शीशे है ना गाइस, ये चाहता है कि शीशे भी रिमूव कर दूँ। हाँ भाई लुक बनती है, पर फिर भी मैं तो कहूँ शीशे रिमूव नहीं करने चाहिए यार, क्योंकि पीछे का देखना भी तो जरूरी है। पर चलो कोई नहीं, अब इसकी जैसी सोच क्या कर सकते हैं। अब पीछे के हॉर्न, मतलब देखो शीशे भी हमने हटा दिए गाइस। अब इतना ही नहीं, शीशे हटने के बाद हॉर्न का हम कुछ काम नहीं करवा रहे, लाइट का काम इसमें देखो ये रही, इसको नीली करवा दी हमने। बाकी व्हाइट में भी अच्छी लगती, पर इसका कहना है कि भाई एक बार नीली ट्राई करनी चाहिए, तो मैं कर लो भाई अब क्या कर सकते हैं। अब रही बात, मैं आपको कह रहा था ना ये ऑरेंज कलर में आती है अगर, तो ऑरेंज कलर में आपको देख सकते हो गाइस ऐसा कुछ लुक आता है इसका, पर हम इसको वाइट ही रखने वाले हैं, क्योंकि यार अभी देखो आरसी में ये वाइट है, कोई दिक्कत आ गई ना तो इंश्योरेंस हम क्लेम कर सकते, नहीं तो बोल देंगे भाई कलर चेंज करा के रखा है तुमने, ये है वो, तो इसलिए ये नहीं करवा रहे हम। अब इसकी गोल्ड चेन हम करवा रहे हैं, आप देख सकते हो चेन वैसे कैसे आती है, सिल्वर टाइप की ब्लैक टाइप की थोड़ी सी होती है, पर अब इसे हम गोल्ड करवा रहे हैं ताकि लुक थोड़ा आए। ट्रांसमिशन इसका पूरा कराएंगे, टर्बो ट्यूनिंग करवा देंगे इंजन की, और मेन बात जो टायर स्मोक है गाइस इसका ऑरेंज करवाने वाले हैं, तो लुक और बढ़िया हो जाएगी जब ये घुमाएंगे ना इसका, तो मस्त हो जाएगा एक नंबर का सौदा। अब सीन ये भी हो रहा है कि भाई इसके ना कलर भी, ये देखो टायर आप देख सकते हो, हम टायर चेंज कराने की भी सोच रहे, क्योंकि नॉर्मल टायर कुछ ऐसे आते हैं, पर हम चाहते थोड़े तबाही वाले इसमें टायर करवा दें, तो देखते हैं कि कौन से करवाने चाहिए। क्योंकि इसमें ना मेरा मन तो था नहीं वैसे चेंज कराने का, पर यार ये गोल्ड ही नहीं मानता, कह रहा नहीं भाई चेंज कराऊंगा, अब ऑरेंज कलर में ही चाहता है, और भाई थोड़ा चेंज ही कर ले, पर नहीं लड़का थोड़ी मानेगा हमारा। आप देख सकते हो अब हम नए देख रहे हैं भाई इसमें कौन से सही लगेंगे, मेरे ख्याल से जो थे ना यार वही बेटर थे सबसे, पर नहीं माने तो क्या कह सकते हैं भाई, जिसकी जैसी सोच हुआ, चलो कोई नहीं। अब देख रहे हैं, आप देख सकते हो आप सबके सामने इतने हम देख रहे हैं चीज़ें की कौन सी पसंद आ जाए कौन सी नहीं। नहीं आ रहा भाई मेरे को तो कछु पसंद नहीं आ रहा भाई, हाँ ये वाले थोड़े सही भी लग रहे हैं, नहीं यार वो मज़ा नहीं आ रहा, पर जो मज़ा ये वाले टायर दे रहे हैं ना वो मज़ा नहीं आ रहा भाई। गोगी एक काम करते हैं, इसका टायर रहने देते हैं, अब देखते हैं भाई से मनाते हैं, मान जाए तो लड़का हमारा। भाई सारा काम हमने इस बाइक का करवा दिया, अब आखिरी में आके मैं आपको बता दूँ, हमने इसके जो ये नीज टायर टोर का भी चेंज करवाना पड़ा सारा सौदा। अब क्या करें, गोगी मान नहीं रहा था, मैं कहा यार चलो कोई नहीं अब एक ही बार इसका काम करवाना है, तो चलो आप देख सकते हो ये निकाल दिया हमने बाइक बार बार बाहर का, देख सकते हो भाई मौसम भी कैसा हो चुका, बहुत टाइम लग गया यार इस बाइक में तो, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि गाइस बाइक में क्या क्या सीन हमने चेंज करवाए हैं, क्योंकि वो चीज़ें पहले बताना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। पहले तो मैं आपको बताऊँ तो गाइस याद रखो ये मिरर जो होते हैं हमने इसके वो हटवा दिए हैं। अब मिरर के साथ साथ आगे हमने कार्बन वाले मडगार्ड लगवा दिए, पीछे का हमने पूरी ये जो प्लेट होती है नंबर प्लेट वगैरह का ये सब पूरा हटवा दिया, जिसमें इंडिकेटर भी होते थे। अब साथ ही साथ इसमें एग्जॉस्ट लगवा दिया गया है, और ये नए एलॉयज जो हमने इसमें लगा दिए हैं, और ये भी देख सकते हो ये गोल्ड चेन भी हमने इसमें लगवा दिया। अभी चला के दिखाएंगे इसका पूरा लुक भी दिखाएंगे, मतलब खर्चा इसमें हुआ अच्छा खासा, और इसका आर्मर वगैरह भी अच्छा करा दिया हमने। ये देखो, ये देख रहे हो, ये देखो एग्जॉस्ट की अब आवाज़ सुनोगा, ये देखो ये पड़ पड़ जो आवाज़ आ रही है ये एग्जॉस्ट की है। अब इसने टायर चेंज करवा दिए, थोड़े से पतले टायर है पहले वाले से, क्योंकि भाई अब क्या ही करें, इसका मन था भाई टायर चेंज चाहिए, तो हमने कहा चल करवा ही देते, पर ये लग ये वाला थोड़े मेरे को सही लगे यार, बाकी तो और कोई मेरे को अच्छे लग भी नहीं रहे थे, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख सकते हो भगा के भी मैं आपको दिखाऊंगा, पकड़ के बैठी हो मैं फिर मत बोले गिर गया मैं, भाई भगने में तो कोई दिक्कत नहीं आई। अरे भाई पर जो एग्जॉस्ट पूरा भम 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 कर रहा है ना वो चीज़ काफ़ी अलग है, पर इसमें इंडिकेटर नहीं बचे यार, वो बात है पीछे के इंडिकेटर नहीं है, पीछे वाला जो देखेगा कहते कि किस साइड मोड़ना है। अब प्लेट हटानी थी तो वो पूरी चीज़ ही हटानी थी गाइस, हमें नहीं तो लुक नहीं आ रहा था बाइक का। आप ये देख रहे हो इसका ना जो सस्पेंशन वगैरह कैसा है भाई, पड़ा पड़ लग रही है, पर ऐसा नहीं कि कोई बिल्कुल दिक्कत आ रही है, मस्त चल रही है बाइक बिना किसी दिक्कत। तो रही बात टायर स्मोक भी आपको दिखा देते गाइस, अब टायर स्मोक भी तो दिखाना जरूरी है, ये देखो। अरे भैंस की बड़ा कम निकल रहा, अब निकला ना, देख सकते हो हमारी नई KTM का टायर स्मोक कैसे निकल रहा है, और जो अंदर के एलॉय चेंज करवाए हैं वो तो एक नंबर लग रहे हैं। ओ भाई क्या बात है, और ये देखो आगे की लाइटिंग,
दिया, पूरा सोता चेंज कर दिया गाइस हमने। ओ ये एक नंबर का सीन भाई, एक नंबर का सीन। अरे नहीं 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 नहीं, अरे तेरी भैंस की आंख, मुझे क्या पता था पानी। अरे निकाल होगी, इससे पहले कोई दिक्कत हो। अरे यार ये बाइक निकलवानी पड़ेगी, फटाफट निकाल देगा इस बाइक को। तो गाइस बाइक में हमने रस्सी बांधी और इसमें भी बांधी। अब ये किसका, आप ये भी पूछोगे, ये हमें भी नहीं पता। वहाँ बाहर खड़ा होता, चाबी चुबी लगी थी, हमने कहा एक बार निकाल के इसको चुपचाप खड़ी करते। अरे अंदर क्यों जा रहा है ये, चल 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 बाहर जा रहे थे। तो गाइस अरे ये फिसल क्यों रहा है, 4x4 होते यार ये तो, पर फिर भी देखो दम लग रहा है इसका। चल 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 निकाल दी, निकल गई निकल गई निकल गई। अब रस्सी तो हमने अच्छी तरह तगड़ी बांध दी, हो गया होगा। अरे ये क्या हो गया, अब स्टंट स्टंट के चक्कर में देख रहे हो गाइस क्या हो गया हमसे। अरे रे 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 नहीं, निकल गई निकल गई निकल गई। अब इतना कुछ हुआ नहीं होगा क्योंकि वो अभी जस्ट ही गई थी, तो अपना चला के देखते हैं। और इस ट्रक को ना वहीं छोड़ा, वो झापे से लिया था। बैठ भाई गोगी जल्दी बैठ। तो गाइस वो वाली जो कार थी, मतलब कार बोल सकते हो भाई उसको, जो भी वो थी जिससे हमने ये बाइक निकाली, उसको हमने वहीं खड़ी कर दिया। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये यूं, और अपनी बाइक को कुछ भी नहीं हुआ। देखो अंदर का ये भी सब टेम्परेचर नॉर्मल वगैरह मैं देख रहा था, एक बार कोई दिक्कत तो नहीं। पर एक ही बारी में स्टार्ट हो गया था, इतना कोई दिक्कत नहीं। अंदर अंदर जाके पर पानी में बंद हो गया था, पर ये सीन तो हुआ इसका। पर चलो कोई दिक्कत नहीं, नोट अभी बोलूँ। और देख सकते हो कि कैसे खुदाता हुआ लेके जा रहा हूँ मैं इसे, और कोई भी दिक्कत इस बाइक के साथ नहीं आई। और जो मेरे ख्याल से ना गोली वाली जो बाइक है ना, उससे तो काफ़ी दमदार बाइक है भाई ये तो। अब इसी बात पर इन दोनों की काफ़ी बात भैंस भी जाती है। मैंने कहा भाई भैंस मुझ मत करो, तुम भैंस के चक्कर में मेरे को बीच में ले आते हो, फिर मुझे तुम्हारी रेसी करवानी पड़ जाती है। ये देख रहे हो भाई क्या बढ़िया चल रही है, मतलब इस ऐसे इलाकों में भी ले आओ ना, तो इस बाइक के साथ ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको लंबे टूर पे ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं मिलने वाली। रेस करो उसमें भी मजा, मतलब इसको आप कह सकते हो ऑलराउंडर बाइक है, एक तरह की आप यूँ कह सकते हो। और भाई सुपर नाम आ चुका है, तो आप समझ सकते हो कि इसमें दम तो है ही। अब वो वाली तो पुरानी आर सी हुआ करती थी, पर फिर भी यार दम तो इसमें काफ़ी कह रहा है। तो देख रहे हो भाई दम लगा, भाई जंप लगा दी हमने न्यू केटीएम के साथ। ये कहाँ जाएगी, पानी में नहीं जानी चाहिए भाई, ये दोबारा पंगा नहीं चाहता मैं कोई। ओ नहीं 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 पानी में तो नहीं जाएगी, इतना तो मैं कह सकता हूँ। पर जहाँ जा रही है वहाँ भी गलत जा रही है, ओ ब्रेक लग जाएगा। अरे नहीं बच गए भाई, अगर वहाँ से हम फिसलते ना गाइस, और यहाँ बाइक नहीं रुकती, तो हम कहाँ जाते आप देख सकते हो कि कहाँ जाते। अब इसमें क्या ये बाइक इतनी कैपेबल है कि हम इसे यहाँ से नीचे उतार पाए, क्या इसके ब्रेक ऐसे खड़ी सी चढ़ाई में भी रोक पाएंगे इसे, मतलब रोक रहे हैं भाई ब्रेक को। मैं तो काफ़ी ज़्यादा दम है, हमने आप ब्रेक की काफ़ भी कराया, मतलब नई डिस्क लगवा दी है। अंकल जी कह रहे ये तो और भी तकड़े वाले हैं, ये है वो है, मैं लगा दे भाई ये तो। ओ भाई मतलब जितने भी अभी देखो टप्पू की बाइक का भी काम करवाया हमने, गोली की बाइक का भी काम कराया, पर गोगी के, गोली और गोगी में आप कंफ्यूज रहते होंगे, पर फिर भी गोगी के बाइक में जो अभी तक खर्चा हुआ ना, इतना किसी भी बाइक में नहीं हुआ है। अब भाई बाइक सबसे महंगी भी तो इसी की आई है, ये देख रहे हो, ये निकल गए हम नीचे बिना किसी दिक्कत के। तो सही है ना भाई, कहाँ से हम आए, और ये काफ़ी सही तरह चल रही है बाइक। ऐसे कोई जो मेरे को लग रहा था कि दिक्कत वगैरह होगी, वो दिक्कत तो कुछ भी नहीं हो रही है। भगने में भी सही है, और टेम्परेचर भी इसका काफ़ी लो ही रह रहा है, ऐसा नहीं कि बढ़ रहा है, तो ये सही है। इसमें टेम्परेचर भी दिखा रहा है, नहीं तो जैसे कि उसकी हो गई आप देख, तो टप्पू की बाइक में कोई टेम्परेचर नहीं दिखाता, हीट होगी ना कुछ पता नहीं चलेगा। और मेरे ख्याल से शायद गोली के में भी नहीं दिखाता, पर गोगी के में जरूर दिखाता है। देख लो एक नंबर का सोडा पानी, एक नंबर का मज़ा आ गया है। तो अब लेके जाएंगे हम इसे सीधा गोकुल धाम सोसाइटी में, दिखाएंगे सबको कि हमारी ये मॉडिफिकेशन उन्हें कैसी लगी। तो बिना किसी देरी के चलो गाइस चलते हैं। ससुरा मुझे एक चीज समझ नहीं आती, इतना गोद में ऐसे ऐसे ऊपर कंधों पे तो मुझे मेरी पिताश्री ने कभी नहीं चढ़ाया। पहले तो बोला भाई गोगी जाके कपड़े चेंज करके, कपड़े चेंज करके जैसी गोगी आए देखो भाई फिर से ऊपर चढ़ा दे चश्मा पहना के। क्या बोलूँ मैं इनको यार, ये सोड़ी अंकल नहीं मान रहे, और पीछे जैसी सबने बाइक देखी कह रहे सब अच्छी लुक तो आ रही है, पर भिड़े अंकल बोल के पीछे का शीशे से कैसे देखेगा ये सब वो सब, और सुना दे नंबर प्लेट नहीं है, बदमाश बन रहे हो ये सब वो सब। मैं तो साइड में निकल गया, मैं कहा मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूँगा भाई, जो जो मेरे को बोला गया मैंने वो काम कराया, और कुछ मैंने काम नहीं करवाया, इतना तो आप सबने देख ही लिया गाइस। चलो सही है भाई, अब सब काम हो चुका है, मेरे को भी यहाँ से निकलने का है। मैं फ़ोन कर देता हूँ भाई जिग्गू पटेल को, पूछूँ उससे कि गाड़ी का काम हुआ है या नहीं, क्योंकि यार फॉर्चुनर का बड़ा टेंशन लग रहा है, क्योंकि गोकुल धाम के बंदों के साथ कहीं ट्रिप पे जाने की प्लानिंग भी काफ़ी जल्दी हो रही थी। मैं सोचा फॉर्चुनर भी लेके जाऊँगा, तो इसी चीज़ में अपना लफड़ाबाजी हो गई है। देखते गाइस अब क्या सीन हुआ क्या नहीं, यार हर चीज़ में कुछ ना कुछ हम डिले होए जा रहा है, होए जा रहा है, होए जा रहा है। अब जब किस्मत ही होगी पुद्दू की करेगा बोन बेटे दा दूध। पर चलो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, तो होप करता आप सबको हमारी आज की वीडियो में मजा आएगा। मजा तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, साथ कमेंट करके बताना कि आप सबको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। अब मैंने सोड़ी अंकल से अभी पूछा कि आपकी स्कॉर्पियन कहीं, कह रहे मेरे मित्र है उसको दिखा रखी एक बार, मैं यहाँ भी मित्र बना ले क्या ही बोलूँ। पर चलो ठीक है, तो मिलता है एक ब्रांड वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, चलना फिर अगले।